सिद्धेश्वर द पावर ऑफ सोल। नमस्कार, आज हम सब मिलकर एक ऐसा काम करें कि हमारे शरीर को हम कैसे बैलेंस कर पाए, उसके बारे में एक छोटी सी चीज आपको आज मैं बताना चाहूंगा कि प्रेयर क्या होती है, प्रार्थना हम कैसे उस परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे जने कहते हैं कि क्या हमें तो कोई मंत्र नहीं आता, हमें तो कोई पूजा का तरीका नहीं आता है, तो हमारी प्रार्थना उस परमात्मा तक कैसे पहुंचेगी, कैसे हमारे कष्टों को हम उस परमात्मा के पास शेयर कर पाएंगे। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको आज बताता हूँ, बहुत ही सुंदर है ये। एक बार जंगल के अंदर एक हिरन होता है, डीर, वो अपने मस्ती में एंजॉय करते हुए खेलते कूदते हुए अपनी जीवन बिताता है। जब वो जंगल के अंदर चलता है तब सामने से एक शेर आता है, बहुत बड़ा सा लायन आता है, एक शेर, और उसको देख के वो डर जाता है कि अरे मैं और आगे जाऊंगा तो शायद ये शेर मुझे खा जाएगा, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए वो पीछे की ओर भागने लगता है, और जैसे वो पीछे की ओर भागता है तो वहां पर एक शिकारी खड़ा होता है गन लेकर के उसको मारने के लिए। वो और घबरा जाता है कि अगर मैं आगे जाऊं तो मुझे शेर खा जाएगा, और पीछे जाओ तो शिकारी मुझे मार देगा, अब मैं क्या करूं। तो अपने राइट की तरफ दौड़ा, वो वहां देखा तो जंगल में आग लगी हुई थी। वो घबरा गया कि अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, हे परमात्मा, सामने जाओ तो शेर खा जाए, पीछे जाओ तो वो शिकारी मुझे मार देगा, मैं इस तरफ जाऊं तो जंगल में आग लगी हुई है, अब मैं कैसे बचूंगा, कैसे अपने आप की रक्षा करूंगा। तो उसने एक कार्य किया, उसने ऊपर की ओर देखा और उस परमात्मा से प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, मुझे तू संभाल लेना। और जब इंसान अपने दिल से, अपनी आत्मा से अगर किसी को भी याद करता है, इसमें कोई रिलीजियस नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, कोई तरह की पूजा नहीं है, मगर जब अपने दिल से कोई इंसान उस परमात्मा को जब जब भी याद किया है, उस परमात्मा को आना पड़ा है उसके रक्षा करने के लिए। और यही हुआ उस दिन कि उस परमात्मा ने उसकी पुकार सुनी और इतनी जोर से बारिश हुई कि जंगल की तरफ जो आग लगी थी वो आग पूरी उस पानी से बुझ गई, और जो शिकारी बंदूक लेकर खड़ा था तो वो बारिश की जो बिजली गिरी उस शिकारी के ऊपर कि वो अपने खुद को भूल गया, अपना आपा खो दिया, गिर गया, मरने की अवस्था में आ गया। और जब वो गिरा तो उसके हाथ से वो बंदूक छूटी, गोली, और वो शेर की तरफ गई और वो शेर भाग गया वहां से। तो देखो, जब वो रक्षा करने आता है तो वो कैसे भी हर दिशा से अपने बच्चों को, अपने भक्तों को, जो उसकी शरण में जाता है, उसको बचा लेता है। और वो हिरन बच गया और अपने जीवन को जी गया। तो आप और हम भी जब ऐसी कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाए कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, तब कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा अगर आपको नहीं आ रही है, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करें, बस आपका फेथ 100% होना चाहिए, 100% आप विश्वास करके अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उस आसमान की ओर देखते हुए अगर आप कहोगे कि हे ईश्वर संभाल लेना, हे ईश्वर संभाल लेना, तो 100% वो आपको संभाल लेगा। आप ये प्रेयर जरूर करना, जब आपके जीवन में आपको लगे कि हमें उस परमात्मा की जरूरत है, तब आप जरूर करना। आइए हम आज आगे बढ़ेंगे। आज हम कुछ एक ऐसी प्रैक्टिस करने जाएंगे कि हम अपने आप को कैसे बैलेंस रखें, कैसे अपने जीवन में हम बैलेंस होते हुए अपने जीवन को पूर्ण करें। कई बार होता है कि हम विचलित हो जाते हैं, हम बैलेंस नहीं कर पाते खुद को, तो हमारे अंदर के जो चक्रास है, जो 7 चक्रास है, उसको आज हम बैलेंस करेंगे, हील करेंगे और एनर्जाइज करेंगे, ताकि हम पूरे पॉजिटिव रह करके और अच्छी ऑरा के साथ हम ये जिंदगी जिए। तो आइए, जैसे आपको पता है कि ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकार नमोस्तुते। आइए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे 3 बार उस ओंकार मंत्र का उच्चारण करते हुए, और फिर हम अपनी साधना को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए, आप और हम सब मिलकर ज्ञान मुद्रा में आराम से बैठे, थाईस के ऊपर, अगर आप नीचे नहीं बैठ पाए तो ऊपर बैठ सकते हो, जैसे भी आपका मन करे आप एकदम कंफर्टेबल बैठे, और लंबी गहरी सांस ले। ओ
तीन बार लंबी गहरी सांस ली हमने। हम हमारा राइट हैंड हमारे हार्ट के ऊपर रखेंगे। जैसे आपको पता है कि ये साधना हम साइलेंस में करते हैं, मौन रहते हुए करते हैं, तो आने वाला कुछ पल हम अपने आप में मौन रहेंगे और इस साधना को पूर्ण करके इसका पूर्ण फल को हम प्राप्त करने के प्रयास करेंगे। तो आप सब अपने हाथ को अपने हार्ट पर रखें, आंख बंद करें और मन ही मन संकल्प करें, ये कमिटमेंट करें, एक ओथ लें कि मैं कुछ पल के लिए अपने आप को मौन रखकर अपने अंदर की जर्नी को करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ, ताकि मैं अपने अंतर आत्मा को समझने का प्रयास करूं। और आप बिल्कुल मौन है। और आइए हम लंबी गहरी सांस ले और सांस लेते हुए अपनी आंखों को आराम से बंद करें, एकदम आराम से बंद करें। और उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हम सब आंख खोलेंगे। आज हम जो मेडिटेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है गोल्डन बॉल मेडिटेशन। जो ये ब्यूटीफुल गोल्डन बॉल आपको दिख रही है, ये क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल के माध्यम से हम आज सब मिलकर इसको अपने अंदर उतारेंगे, एक ऐसा विजुलाइजेशन करेंगे कि हमारे अंदर उतरे और हमारे सारे चक्रास को क्लियर करते हुए एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर दे। तो आज हम इस ब्यूटीफुल क्रिस्टल मेडिटेशन को करने जा रहे हैं। तो आप और हम सब अब स्टार्ट करते हैं। अपने आंखों को बंद करें, ज्ञान मुद्रा में हम बैठेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। Because the chakras are being like energy center. By energizing of chakra, the body is strengthened and healed. This meditation of chakra is very good for healing. This meditation is step by step energizing and healing of body. Now take a deep breath. Remain, close your eyes. Just listen to the sounds around you. Do not be disturbed by them. आपके आसपास जो भी आवाजें आ रही है, आप उसे सुने, महसूस करें, मगर आपको किसी भी प्रकार से उस आवाज से डिस्टर्ब नहीं होना है। Just allow them to be there. उन्हें आने दीजिए। Being aware but not disturbed as you breathe in, out, your senses are getting relaxed. Breathe in, breathe out. As I count down from 10 to 1, you will be go deep and deep in the deep level of consciousness. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, deep and deep, 3, 2, 1. Now your mind is completely relaxed. Now your body is going to be relaxed. Relax your muscles and organ of your body one by one while relaxing them. Thank them for supporting they given you and requesting them to help you in future. Feel your right foot and ankle. Just feel your right foot and ankle, your right knee and your right hip. Relax your lower limb. Now
just sense your left knee, left ankle, left leg, left hip. Now your lower limb is completely relaxed. Now relax your back muscle, your abdomen. Feel organ in your abdomen getting relaxed completely. Relax your chest, lungs. Feel your heart completely relaxed. Now relax your right shoulder. Feel the relaxation in your right arm, elbow, wrist, hand. Your right upper limb is relaxed. Now sense your left arm, left fingers, left shoulder. Relax your neck muscles and relax the face muscles. And now your total body from head to foot is completely relaxed. Enjoy the relaxation. Trust your mind in the level of consciousness. Repeat mentally, I have full trust and faith in divine energy. This divine energy will energize and heal me effectively. Now I let us proceed, concentrating and centering of chakras. Again, take a deep breath. Inhale through your nose, exhale through your nose. Deep breathing. Now visualize a beautiful golden glowing ball floating above the top of your head and see it approaching your crown chakras. As it felt to be your center, see it blending the violet glowing wheel of this crown chakra. See golden violet rays spreading to your nervous system. Feel and energizing the organs and mentally repeat, I am a divine protector. I am a divine protector and guider. I am at peace. Continue to breathe rhythmic. Now this golden ball is separating from your crown chakra and flowing down to your third eye, Ajna chakra, and merging with golden indigo and spreading the rays of golden indigo on your facial organs, energizing all your facial organs. Repeat mentally, I am open to new ideas. Repeat again, I am open to new ideas, people and situation. Now the golden ball is spreading all over your facial tissues and it's moving down and merging with blue wheel and energizing entire your throat and other organs. Repeat, I am safe to express my feelings. I love and trust my creative gifts. Feel the energy. Feel the flow in entire your throat chakra. Now this golden ball
is blending with green veil, the green golden veil, and energizing your lungs. Repeat, I am ready to give and receive unconditional love. I am ready to give and receive unconditional love. I love myself. I love myself. Now, this golden ball is floating. And moving down to your yellow golden light, energizing all the surrounding organs and chakras of solar. Repeat, I trust my worthiness. I am worthy. I am confident. I am very best in my life. Now again, this golden ball is moving down and merging with orange wheel, the sacral chakra, energizing entire sacral chakra. Repeat mentally, what I have is enough for all my needs. Golden ball is moving down and merging with red golden wheel, energizing your base chakra and all neighboring chakras. Feel the energy apne sare pairon mein, us golden red energy ko महसूस करें, प्रवाह होने दे अपने पैरों में, अपने थाइस में, अपने नीस में, अपने एंकल्स में, अपने पैरों के फिंगर्स में, और धन्यवाद दे अपने पैरों को कि उसने आपको सही रास्ता दिखाया, आपको खड़े होकर चलना सिखाया, आपका साथ दे रहा है आपका ये पूरा शरीर, आपके शरीर में आई वो सारी एनर्जी को अपने अंदर फील करें, अपने सातों चक्रा के अंदर उस फ्लो को फील करें, फील द एनर्जी एंटायर योर सेवन चक्रास, द लव, happiness, security, everything we are receiving from the energy, the divine. और जो energy आपके सहसरा head से प्रवाह होते हुए आपके पैरों के तलवे तक जा रही है, आपके हर अंग के अंदर उस एनर्जी को फील करे, उस शक्ति को फील करे, आपके तलवों से वो एनर्जी इस माँ धरती माँ के गोद में जा रही है, इस पृथ्वी को उस एनर्जी से लाभान्वित करे, उसे एनर्जाइज करे, साथ ही साथ उस फाइव एलिमेंट्स को हम धन्यवाद दे जो सदैव इस नेचर को बनाए रखता है, हमें सदैव प्राण देता है, धरती, आकाश, हवा, अग्नि, वायु, इन सब को अपने सामने विजुलाइज करे, हाँ, उसको नमस्कार करे अपनी अंतर आत्मा से, उस आसमान में जो सूर्य है उस सूर्य को नमस्कार करे, उस गगन मंडल में जो सितारे हैं, तारे हैं, उन तारों को नमस्कार करें, उस चंद्र को, उस मून को नमस्कार करें,
कि वो सदैव हमें वो एनर्जी को देता है। उस अग्नि को नमस्कार करें, उस वायु को नमस्कार करें, उन पांचों तत्वों को नमस्कार करें जो हमारे अंदर है और हमें वो हमेशा अपनी ऊर्जा को देते रहता है। उन सब को नमस्कार करें और जो एनर्जी आज आपने प्राप्त की है उस एनर्जी को इस विश्व को भी दे, इन पांचों एलिमेंट्स को भी दे, ताकि वो एनर्जी फिर से बनी रहे। हम ले रहे अनकंडीशनली और दे रहे अनकंडीशनली। उस प्रेम को महसूस करें। और अब अपने दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में लाए और अपने सामने आप जिसको भी मानते हो, जो भी भगवान को मानते हो या जो भी गुरु को मानते हो, और उन पांचों तत्वों को अपने सामने विजुलाइज करें और प्रार्थना करें और नमस्कार करें उन्हें। और नमस्कार करते हुए अपने दोनों हाथ को अच्छे से रफ करें, आप अच्छे से रफ करें। आपको महसूस हो आपके दोनों हाथों के बीच में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो वार्म ऊर्जा, वो गर्माहट को आप महसूस करें और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपने दोनों हाथ को अपने आंखों पर रखिए, अपने नेत्रों को स्पर्श दें और जो ऊर्जा अपने हाथ में हमने उत्पन्न की उस ऊर्जा को उस नेत्रों के माध्यम से अंदर ले। मानो जैसे सूर्य की किरण वो गर्माहट उस फूल के ऊपर आती है और वो फूल अपने हर पत्ते को जिस प्रकार एक नई आत्मा के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ खोलता है, उसी प्रकार धीरे धीरे अपने आंखों को हम खोलेंगे। और अपने हाथों को देखेंगे और इस हाथ को भी हम धन्यवाद देंगे कि आज तूने मेरा साथ दिया। शरीर के हर अंग को धन्यवाद देंगे कि आज अगर वो नहीं होता तो मेरा क्या होता। आज परमात्मा ने कृपा की, इस सृष्टि ने मुझ पर कृपा की और अपने हाथ को हम खुद अपने आप से गले मिलेंगे, आज खुद को हक देंगे कि मैं खुद से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं यही प्रेम, अनकंडीशनल लव, इस संसार में हर जीव को दूंगा, हर जीव की मैं मदद करूंगा और खुद के आत्मा के साथ भी न्याय करूंगा। इस सुंदर अनुभव के साथ हम इस साधना को पूर्ण करने जा रहे हैं। फिर से आप अपने हाथ को अपने हार्ट पर रखेंगे और तीन बार ओम त्रिम नमः मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। ओम त्रिम नमः। फिर से लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस ले। ओम त्रिम नमः। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज ये सुंदर अवसर आपकी और मेरे जीवन में भी आया कि आज हम खुद को बैलेंस करते हुए एक नई शुरुआत की फिर से अपने जीवन की। हमारे गुरु श्री गुरुवानंद जी हमेशा कहते हैं कि करो कर्म ऐसा, करो कर्म ऐसा, मनुष्य जन्म लेकर के जीवन महामृत्यु से जीत जाए, खींचो चित्र ऐसा समय के पटल पर कि तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए, तेरे बीत जाने पे जग गीत गाए। ये बहुत ही सुंदर मैसेज है कि ये जीवन मिला है मनुष्य रूपी, तो हमसे एक अच्छे कर्म हो जाए कि हम जीते जी ऐसा कुछ कर जाए
कि हमारे बीत जाने पर ये जग गीत गाए, ये जग गीत गाए। और फिर से आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और हम जैसे हमने आज अपने आप को हक किया, खुद से प्रेम किया, कहीं ना कहीं हमारे मन ने हमारा साथ दिया, तब आज हम इतनी देर बैठे और इस साधना को किए, तो एक बार हम हमारे मन को भी धन्यवाद दें। जैसे आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में, आप सबको पता होगा कि तीन बार हमें अपने मन को भी धन्यवाद देना है। वाह 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 मेरा मन, वाह 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 मेरा मन, वाह 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 मेरा मन। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, एंड गॉड ऑलवेज ब्लेस यू ऑल। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, Twitter, Instagram and YouTube. Like, share and subscribe with family and friends.